हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल मॉडलिंग में आपका स्वागत है। जो आज मैं आपके लिए गया है वो हमारी वास्तु, इसका साइज है 10 इंची और ये हमारी स्क्वायर वास्तु रहने वाली है। अब तक जो मैंने आपको दिखाई है वो डी शेप और गोल वाली दिखाई है, जिसको हम जीरो बोलते हैं, ओ साइज बोलते हैं। वो डी साइज थी जो हमने 12 इंच और 10 इंच में देखी थी। अब ये हमारी स्क्वायर साइज में आई है, उसी ब्रांड के अंदर वही आइटम बट स्क्वायर बॉक्स के अंदर, काफ़ी अच्छा बेस। और आप इसको देख सकते हैं, ये स्केयर के अंदर है और इसमें जो हमारा सबवूफर लगा हुआ है, हमारा 10 इंच का लगा हुआ है। इसके ऊपर प्लास्टिक काफ़ी हैवी मजबूत जगह लगाई गई है। और इसका जो एम प्रैन हमारा वाला है वो इसका एम प्रैन वाला हमारा नीचे वाले साइड में, जिससे हम इसको गाड़ी में गिरा के लगा सकते हैं जिससे इस हिसाब से इस शेप के अंदर। और अगर हम चाहें तो इसको स्टैंडिंग में लगा सकते हैं नीचे वायर लगा के, उसके बाद हम इसकी लीडों को नीचे जो टेढ़ी वाली लीड होती है वो लग जाएगी, नो प्रॉब्लम आने वाली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। और इसमें हमारे यहाँ पे साइड में बेस पाइप रहने वाली है, जिससे बेस निकलने की जगह मिलती है वही हमारे यहाँ इस साइड में रहने वाली है। हम इसको इस गाड़ी में इस हिसाब से लगा सकते हैं और इस हिसाब से भी लगा सकते हैं और उसके बाद इस हिसाब से लगा देते हैं। इसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली और काफ़ी अच्छा बेस रहेगा। बोलते हैं कि ज़्यादा बड़ा अगर उसका बॉक्स होगा तो हैवी बेस मिलता है, बट फ्रेंड्स मिलता है बट इसमें हमारा कोई ज़्यादा साउंड में फ़र्क नहीं पड़ने वाला, काफ़ी अच्छा बेस रहने वाला है जो हमारा 10 इंच का होना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, सपोर्ट मी। और इसमें हमारा जो पर्दा रहने वाला है वो हमारे लेदर का ही रहने वाला है, जिसे हम लगाते हैं हर बार। और ये हमारे यहाँ पे इसमें 2 चैनल एम रहने वाला है एक, और जो हमारा इनबिल्ट होगा और काफ़ी अच्छे वास्तु रहने वाले दोस्तों, काफ़ी मस्त वास्तु है, काफ़ी अच्छी बेस है, काफ़ी गाड़ियों में इसको यूज़ किया है, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहने वाला है इसका, तो आप प्लीज़ ट्राई करें। और इसका हमारा जो प्राइसिंग रहने वाली है दोस्तों, स्केल का जो प्राइस रहता है वो गोल से थोड़ा सा हैवी रहता है, थोड़ा ज़्यादा रहता है। और इसका प्राइसिंग मार्केट के अंदर अवेलेबल आपको हो जाएगी इजली 4000 से 6000 के बीच में ही, कंप्लीट फिटिंग सीटिंग वायरिंग मूविंग करके A to Z। और जो वास्तु का रहता है प्राइस वो रहता है हमारा 3500 से लेके 4500 तक। आप सोच सकते हैं कि जिस हिसाब से जहाँ की मार्केट होगी वहाँ पे इसका पैसा मार्केट में लेते हैं।